तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा फील्ड के बारे में। और बता दूं, ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी, क्योंकि ये हमारे साथ कुछ लोग ऐसे ज्वाइन है जिन्होंने सेलफोन से ज्वाइन किया है। हमारा जूम एप्लीकेशन सेलफोन को सपोर्ट नहीं करता फॉर द रिकॉर्डिंग। तो वीडियो ढूंढने के लिए खाया तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा वहां से आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप यूट्यूब पे जाके आईपीटी इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां सर्च में जाएंगे, आप आईपीटी इंडिया को सर्च करेंगे तो हमारा लेटेस्ट रिकॉर्डिंग आ जाएगा, अदरवाइज आपने अगर सब्सक्राइब कर रखा होगा तो मिल ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईपीटी इंडिया हमारा की है, यूनिक की है, जो कि सर्च में आता है बराबर स्टॉप पे। अब बात कर रहे हैं हम डेटा फिल की, तो छोटे छोटे कुछ टॉपिक है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जैसे कि हम 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से नंबर लिखते हैं, जनरली सम करने के लिए हम लोग सम का फॉर्मूला लगाते हैं, राइट? तो सम का फॉर्मूला लगाने के बजाय हम यहाँ जो हमारा ऑटो सम है जिसका शॉर्टकट है अल्ट इक्वल, तो उस अल्ट इक्वल को प्रेस कर सकते हैं। तो अल्ट इक्वल ऑटोमेटिकली आपका सम लगा देता है। ठीक है, तो इसके अलावा और भी यहां पर है, और यहाँ पे देखिए आप सम एवरेज काउंट नंबर और भी है, लेकिन इसके लिए शॉर्टकट नहीं है, सम के लिए सिर्फ शॉर्टकट है। छोटी सी बात है इसलिए बोल रहा था। उसके बाद फिल की बात करते हैं। फिल में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। और एक चीज और मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं, 1 तारीख से मतलब की January 1, 2019 से हम ऑफिस 2019 पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को अगर ऑफिस 2019 अगर डाउनलोड करना होगा तो मेरे पास लिंक है, मैं दे दूंगा। अब देखिए यहां पे देखिए मैंने रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगाया ना, अब मुझे इस रैन बिटवीन के फॉर्मूले के पूरे एरिया में चाहिए। ठीक है, तो मुझे इसको कॉपी करना है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और हमारे पास कंट्रोल डी फॉर डाउन, वो डाउन में राइट ड्रैग कर देगा, और कंट्रोल आर फॉर राइट। तो ऊपर के नीचे को कॉपी करने की जगह पे आप इसको यहां ऐड कर सकते हैं। ठीक है सर, उसके बाद यहाँ अप और लेफ्ट के लिए नहीं है तो अब इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इसके आगे आते हैं क्रॉस वर्कशीट। अब एक क्रॉस वर्कशीट को जानिए, एक बहुत अच्छी चीज है। जैसे कि आपके पास एक फाइल है, उसमें कई सारे शीट्स हैं। ठीक है सर, कई सारे शीट्स हैं हमारे पास, तो उस केस में क्या करेंगे?
तो मुझे हर सीट पे एक ही सेल पे कोई डेटा डालना, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डेट का फॉर्मूला डाला और हमने यहाँ पे, अब थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इंटरनेट अभी स्लो चल रहा है मेरा, तो ऐसा मत सोचिए कि मैं ये हूं, मतलब धीरे धीरे बोल रहा हूँ सर। तो जैसे हमने यहाँ पे हमने आपने देखा कि यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला डाला, तो मुझे बाकी जितने भी शीट्स है सब शीट में इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करना है, और मेरे पास ऐसे 10 फॉर्मूला है। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे उस केस में हम इसको एक तरीका है कि हम इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद शिफ्ट प्रेस करके लास्ट तक जाएंगे और इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो मतलब कि आप जब एक साथ कई सारे शीट को सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए कई सारे शीट इसको हमने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद इसको सिलेक्ट करके हमने इसको कई सारे शीट को सिलेक्ट करके फिर जब इसमें पेस्ट करते हैं या पेस्ट के अलावा कोई भी एक्शन करते हैं तो आपके हर शीट में होता है। देखिए, लेकिन हर शीट में आपका उसी जगह पे होता है, कोई और जगह नहीं होगा, सिर्फ उसी जगह पे होगा। क्लियर है सर? यस सर। तो हर एक ही सीट में, मतलब हर एक जगह पे एक ही सीट में होगा, तो उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा आपका ये होगा, मैं बता देता हूँ फायदा क्या होगा इसका। फायदा क्या होगा, कहाँ गया शीट? उसका फायदा आपका यहाँ पर होता है कि हर एक सीट में टाइप करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आपका ऑटोमेटिकली हर एक सीट में टाइप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन मैं इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कर देता हूं, मैं बगैर कॉपी पेस्ट किए करना चाहता हूं, बगैर कॉपी पेस्ट करने की चाहता हूं, तो आप सारे शीट को सिलेक्ट कर ले शिफ्ट के साथ, अगर लास्ट में क्लिक करते तो सारा शीट सिलेक्ट होता है, अदरवाइज कंट्रोल के साथ वन बाय वन अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप यहां जाएंगे फिल में, तो आप देखिए आपका अक्रॉस वर्कशीट हाईलाइट है। अक्रॉस वर्कशीट इससे पहले हाईलाइट नहीं था, क्यों नहीं हाईलाइट था? क्योंकि हमने कई सारे शीट नहीं सिलेक्ट किए हैं। जब तक आप एक से ज्यादा, जैसे देखिए यहाँ पे आपका अक्रॉस वर्कशीट हाईलाइटेड नहीं होगा। ठीक है, नहीं है सर? इसलिए बोल रहा हूं सर। तो जैसे आप एक क्रॉक्स वर्कशीट में आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा, अगर मैंने यहां पे ऑल पे कर दिया तो जैसे आप कॉपी पेस्ट करते वैसा करेगा, कंटेन किया सिर्फ कंटेन करेगा, अगर फॉर्मेट करूंगा तो सिर्फ फॉर्मेटिंग करेगा, तो उसका चॉइस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, ये आपका समझ में आ गया क्रॉस वर्कशीट? यस सर। चलिए क्रॉस वर्कशीट पर अगला टॉपिक चलते हैं। अब अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो है हमारे पास फिल का, सीरीज का। अब जैसे कि यहाँ पे आपने वन लिखा और इस वन को लिखने के बाद आप कंटिन्यूअस नीचे की तरफ ड्रैग करें, वन टू लिख के ड्रैग करें, तो सीक्वेंस नंबर हो जाता है क्या? यस सर।
इसके अलावा आप जो सीक्वेंस नंबर यहाँ सीरीज से भी ला सकते हैं कि सीरीज कॉलम स्टेप वैल्यू वन, मतलब एक से दूसरे बीच में वन होना चाहिए, वन लास्ट वैल्यू डालना चाहिए तो डालो, अदरवाइज सिलेक्शन में आपका हो जाएगा एंड ओके। आ गया सर। उसके बाद यहाँ सीरीज में एक चीज और है कि अगर मैंने इसको ग्रोथ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे टू डाल दिया तो एक ग्रोथ दिखाएगा, दिखा दिया सर। और फिर सीरीज में अगर मैं आता हूं, अगर मैं ग्रोथ इसमें अगर डेट सेलेक्ट करता हूं तो डेट के लिए अच्छा खासा यूज होता है। जैसे कि मैंने यहां डेट डाल दिया, मैंने और मुझे इसमें सैटरडे एंड संडे का डेट नहीं चाहिए, सिर्फ मंडे टू फ्राइडे का डेट चाहिए, तो सीरीज में हम यहाँ वीक डे कर देते हैं। डे करेंगे तो कंटिन्यूअस एक दो तीन जो ड्रैग जैसे करते उसी तरह से आएगा, वीक डे करते हैं तो आपका मंडे टू फ्राइडे आएगा, सैटरडे एंड संडे इसमें नहीं आएगा। देखिए सैटरडे संडे नहीं आया, ठीक है सर। उसी तरह से यहाँ सीरीज में आगे बढ़ेंगे आप तो सीरीज में आपके पास यहाँ पे मंथ आएगा, मंथली ईयर आएगा, ईयरली आएगा। हेलो जी सर, मैं मुकुल बोल रहा हूँ। क्या क्लास हो रही है अभी? हम फ्लैश फिल पे इस पे कर रहे हैं, डेटा फिल पे बात कर रहे हैं। अब लेट ज्वाइन किया आपने, सर ये इंटरनेट चल नहीं रहा था, अभी सही करवाया। ठीक है, चलिए अब कंटिन्यू रहिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है मैंने, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है ना। क्या क्या सर और क्लासेस हो गई है इसमें? होम मेनू बार अभी खत्म होने वाला है, अच्छा दो क्लासेस आ गई है होम मेनू बार की, आज और एक कल की। ठीक ठीक है, है। अब इसमें एक आता है जस्टिफाई सीरीज के बाद। अब चलिए सीरीज के बाद जस्टिफाई को देखते हैं। अब जैसे कि आपको जैन फाइव मार्च इस तरह का चीजें करनी है, इनको आपस में अगर आप चाहते हैं कि कंबाइन करना, तो हालांकि जो आप हमारी जो नई ऑफिस आई है ऑफिस 2019, उसमें आपके पास दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है आपका कॉनकेट के फॉर्मूला है और एक आपका है टेक्स्ट ज्वाइन। इस सिस्टम में नहीं है क्योंकि उसके लिए हमारा विंडो चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो विंडो 8 के साथ कंपेटिबल नहीं है, विंडो 7 के साथ है, वो विंडो 10 पे ही इंस्टॉल होता है हमारा ऑफिस 2019। तो मैं सडनली विंडोज तो चेंज नहीं कर सकता ना, क्योंकि इसमें पूरा डेटा वेटा और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन मैंने उसको 2019 को मैंने दूसरे पीसी पे इंस्टॉल कर लिया है सर। तो इसमें कॉन्क्रीट फॉर्मूला से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला से ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन 2007 2013 16 में ऐसा तो नहीं है ना कि इसको ज्वाइन करने का, हम तो मैनुअली करेंगे ना कि इसको सिलेक्ट करूंगा, इसमें फिर कॉमा स्पेस देंगे और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे वन बाय वन, अगर बहुत सारे हैं तो काफी टाइम लगेगा। बट एक तरीका है करने का, तरीका क्या है कि आप कॉलम के साइज को बड़ा कर ले, कॉलम साइज को बड़ा कर ले, और बड़ा करने के बाद इसको सिलेक्ट करें और यहां आपके पास फिल में आता है जस्टिफाई, आप जस्टिफाई को क्लिक करें। तो जस्टिफाई का मतलब ये नहीं है कि वो सबको एक साथ कॉपी कंबाइन कर देता है। जस्टिफाई क्या करता है कि कई सारे सेल्स आपका है उसको कंबाइन करके एक सेल में ला देता है और कॉलम की साइज के अकॉर्डिंग। अब इसमें कॉमा चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट, इसको रिप्लेस कर लो कॉमा से, वापस इसको तोड़ना है तो कॉलम साइज को छोटा कर ले और फिर इसको यहां से जस्टिफाई कर दे, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है सर जस्टिफाई? जस्टिफाई के बाद जो अगला फॉर्मूला हमारा आता है वो फॉर्मूला आता है फ्लैश फिल।
बट फ्लैश फील आपको 2013 में होगा, 16 में नहीं होगा, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूं, ठीक है? तो क्या करता है फ्लैश फील? ये एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे हम यहां पे कुछ नाम लिखते हैं कि नेम, मैंने कुछ दिया जैसे सुजीत, हम कुमार दे दिए एंड सिंह दे दिया, ठीक है? और ऐसे आपको यहाँ पे और भी नाम है, जैसे कि पूजा सिंह कर देते हैं हम यहाँ पे, मनी लाल, कविता राजदेसाई, कुछ कुछ नाम दे देते हैं आप। अब यहां पे मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, तो जनरली आप इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए आप कॉन्कैटेनेट वगैरह का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका लेफ्ट राइट फाइंड का हम भी बताते हैं, लेकिन आप इसको एक तरीके से भी अलग कर सकते हो। कैसे, चलिए बताता हूं। अब जैसे कि हम यहाँ पास फॉर्मूला है लेफ्ट का, ठीक है, सॉरी फॉर्मूला नहीं, माफ कर रहा हूँ, दूसरा लगा रहा हूँ यहाँ पे, लेफ्ट राइट फॉर्मूला से अलग कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक तरीका है, जैसे सुजीत लिख दिया और हमने एंटर मारा और उसके बाद इस पे हम फ्लैश फिल अप्लाई कर दिए, तो इस वर्ड को ढूंढा उसके अंदर, उसका पोजीशन निकाला और उसके हिसाब से अलग कर दिया। लेकिन मैं बता रहा था आपको कि लेफ्ट फॉर्मूला से अगर आप अलग करेंगे तो फिक्स हो जाता है। ठीक है सर, सॉरी, उसी तरह से आपको लास्ट नेम चाहिए, तो मैं यहां पे सिंह लिख दिया, एंटर मारा और यहां पे हम फ्लैश फील देते हैं, तो लास्ट नेम आ गया। उसी तरीके से मान लीजिए कि हमने डेट डाले हुए हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कई महीनों का डेट डाल देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, और मुझे इसमें से मान लीजिए कि मंथ अलग करना है, तो मैंने मंथ दिसंबर लिखा और फिर यहाँ पे एंटर किया और फिर यहाँ पे हम फ्लैश फिल कर देते हैं, अलग हो जाएगा। ऐसे हमने कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उसमें डेसिमल प्लेसेस हैं, मुझे डेसिमल प्लेसेस अलग करना है, तो 0.36 किया और हम यहाँ पे फ्लैश फिल कर देते हैं, तो हमारा डेसिमल प्लेस अलग हो जाएगा, ठीक है सर? लेकिन एक चीज और प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए कि यहां पे 25.25 है, तो अगर मैं 0.25 लिख के एंटर मारता हूं और इसे फ्लैश फिल करता हूं तो आगे से अलग कर देगा, समझे? तो ये जरूरी नहीं है कि आप कॉलम का पहले सेल पे जाके टाइप करें, अगर पहले सेल पे कुछ ऐसा लग रहा है कि वो सब एक ही जैसा है, तो आप नीचे आए और 85.25 लिख दीजिए, सॉरी यहाँ पे 0.25, और फिर इसको फ्लैश फिल कीजिए, अब आपका रिजल्ट सही आएगा। तो फ्लैश फिल समझ में आ गया, किसी को डाउट है? पुनीत जी, नहीं सर, डाउट है? नो सर।
अरुण जी, तानवी जी, कोई डाउट? नो सर, नो नो। तो अब आपको क्या करना है कि इस पे आप नोट कर लीजिएगा कि मुझे इस पे कम से कम 15 एग्जाम्पल बना के दीजिए फ्लैश फिल का, 15 ऐसे ऑफिशियल एग्जाम्पल, ठीक है? ये आपका होमवर्क रहेगा, 15 एग्जाम्पल बना के मेल करने हैं प्लीज। उसके बाद अब बात करते हैं क्लियर की। जैसे आपका एक डेटा है और डेटा पे बहुत सारे हमने फॉर्मेटिंग कर रखा है, अब इसको क्लियर करना है। तो क्लियर करने के लिए आप यहां से जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने से एक तो आपका कॉलम का सिक्वेंस बिगड़ जाता है, इससे जो लिंक होगा कोई डेटा वगैरह वो लिंक में प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में आप इसको सेलेक्ट करेंगे और हमारे पास क्लियर का ऑप्शन है, क्लियर ऑल, पूरा क्लियर हो जाएगा, क्लियर फॉर्मेट, फॉर्मेटिंग क्लियर होगी, क्लियर कंटेंट जो डिलीट करते हैं, कमेंट और हाइपरलिंक, ये क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आज का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो क्या था, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा फ्लैश फिल और जस्टिफाई, ठीक है? तो प्रैक्टिस करते समय इसका ध्यान आप रखिएगा। क्लियर है? चलिए, कोई आप लोगों को कोई डाउट है विवेक क्लासेस से? आज भी बोल रहा था सर, वरना दवा खाने से दवाई नहीं। चलिए तो प्रैक्टिस कीजिए, कल मिलते हैं सेम टाइम, और कल का टॉपिक हमारा होगा शॉर्टिंग एंड शॉर्टिंग कंसेप्ट। फ्लैश फिल के ऊपर एक एग्जांपल बना के मुझे भेजिए सर। कितने बजे क्लास स्टार्ट होती है? 9:30? नहीं, 9:45। ग्रुप में ऐड कर लिया मैंने आपको। ठीक है सर। ठीक है, अब मैसेज आ ही गया होगा। कौन कौन सा टॉपिक मेरा छूट गया है? होम के टॉपिक वो सर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे ये भेज दिया था एग्जांपल सर। हाँ मैंने देखा है, अच्छा भी है, इस तरह से भेजिए, अच्छा लगा सर। और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग मेरा छूट गया शायद सर। हाँ छूट गया है, होम में मैंने बोला ना टॉपिक छूट गया है, कुछ जो छूट गया है उसको एक रिफ्रेश क्लास में कवर कर दूंगा, जब होगी तो मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा। ठीक, बस ग्रुप में आप बने रहे। हाँ हाँ ग्रुप में। चलिए मिलते हैं कल। ओके सर, गुड नाइट।